हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आज का व्लॉग होने वाला है वो है स्टूडेंट आईडी के लिए और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक जो प्रिंस जॉर्ज है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो होता है हमारा स्टूडेंट आईडी मिलने के बाद। स्टूडेंट आईडी पे एक स्टिकर लगता है यू पास करके कुछ, तो उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली इन प्रिंस जॉर्ज। अगर हम अदर सिटीज़ की बात करते हैं जैसे कि टोरंटो या फिर वैनकूवर या फिर कहीं भी, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है, मतलब जैसे कि मेरे दोस्त वैनकूवर में भी और टोरंटो में, ब्रम्पटन में भी, ओंटेरियो, लंदन में भी, तो ये बोलते हैं कि हमें ना एक कार्ड मिलता है, मतलब मंथली उसका रिचार्ज कराना पड़ता है 45 या फिर 50 डॉलर के समथिंग, तो तब हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके थ्रू। और जो हमारा है, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कोई पेमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो ये लोग उसी के ऊपर है। तो मैं बताती हूँ, जब मैं 12th दिसंबर को मैं आई यहाँ पे, नहीं 13 दिसंबर को मैं आई पीजी प्रिंस जॉर्ज, और एक दिन मैंने होटल में स्टे किया। 14th को मैंने जब मतलब रूम एकोमोडेशन देखा अपना, तो फिर मैं 15th को गई कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने बोला कि अभी हम स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करा रहे, आप 22nd of December आना। तो फिर मैं 22 दिसंबर को गई कॉलेज। कॉलेज में जाने के बाद मैं गई रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मेरे को जस्ट मांगा मेरी स्टडी परमिट एंड पासपोर्ट, फिर उन्होंने उनकी फ़ोटो कॉपी की या फिर स्कैन कॉपी को जो भी किया वो किया। फिर उसके बाद मेरे को बुलाया एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फ़ोटो क्लिक करते के टाइम मेरे को ये था कि यार जैसे आधार कार्ड में फ़ोटो आता है इतना गंदा वही आएगा सेम, क्योंकि इतने अच्छे कैमरे का होता है, बट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मेरा फ़ोटो बहुत अच्छा आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को भेजा स्टूडेंट यूनियन, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस एक अलग ऑफिस है ऐसी, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन है, मतलब CNC में। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन गई मैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मेरा स्टूडेंट आईडी ली और वहाँ पे एक स्टिकर लगाया, वही यू पास करके कुछ है CNC यू पास, ये आईडी मैं बाद में दिखाऊंगी। CNC यू पास करके कुछ लगाया एक स्टिकर। फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे अब तुम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर सकते हो जहाँ भी तुम्हें जाना है ऐसे। और फिर उन्होंने मेरे को एक बैग पकड़ाया जिसमें बैग में था बहुत सारा सामान, वो मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और मुझे ये भी बताना था कि जो स्टूडेंट आईडी है, उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर तुम पे लॉस्ट हो जाती है, मैं दिखा क्यों रही हूँ, लास्ट में दिखानी है, अगर तुम पे ये स्टूडेंट आईडी लॉस्ट हो जाती है तो फर्स्ट टाइम हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, अगर सेकेंड टाइम भी तुमने लॉस्ट की तो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, बट अगर तुम्हारे से थर्ड टाइम भी लॉस्ट होती है फिर हम इसका $20 समथिंग चार्ज लेंगे, 15 या फिर $20 के समथिंग चार्ज लेंगे, फिर उसके बाद हम तुम्हारी दोबारा बनाएंगे स्टूडेंट आईडी। तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट आईडी को तुम्हें ऐसे रखना है अपने पास जैसे कि तुम अपने पासपोर्ट को रखते हो, लाइक मतलब गुम नहीं करना बार बार ऐसे, क्योंकि कर देते हैं बच्चे, वैसे भी हो जाता है मिसप्लेस बहुत बार, नहीं करते मतलब हो जाता है, माई मिस्टेक। तो अभी मैं दिखाती हूँ सामान जो मेरे को मिला स्टूडेंट यूनियन से, जस्ट वेट एंड वॉच। सो ये है बैग जिसमें मेरे को सामान मिला था, इस पर लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ न्यू कैलिडोनिया स्टूडेंट यूनियन, और इसमें इवन हम अपनी ग्रोसरी भी लेकर आ जा सकते हैं अगर हमें अपनी ग्रोसरी लेकर आनी हो। अच्छा है, बड़ा है काफ़ी, छोटा भी नहीं है। और इससे अलग हमें मिला ये वाटर बॉटल, इस पर भी लिखा हुआ है स्टूडेंट यूनियन कॉलेज ऑफ न्यू कैलिडोनिया CNCSU। और फिर हमें मिलता है उसके बाद एक कप, इस पर भी सेम यही स्टूडेंट यूनियन कॉलेज ऑफ न्यू कैलिडोनिया। ये है कॉफ़ी मग, ये भी अब तक पैक है। और ये नोट्स, स्टिक नोट्स मिले हमें इस पर, मतलब ये तो कुछ मतलब काम का है बट अभी तो नहीं है, अभी ऐसे ही रखा है ये। फिर मिलता है हमें एक शॉर्पनर बच्चों वाला, और ये दो है लिप बाम CNCSU, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है एंड सेकेंड वन ये ऐसी है फ्रूट लिप बाम है और ये स्ट्रॉबेरी की है ये। फिर मिलता है हमें एक मार्कर, ये भी स्टूडेंट यूनियन, वो ये सेम हर चीज़ पे यूनियन यूनियन यूनियन। एक है ये हमारा ब्लू पेन पेंसिल, और ये है कीरिंग। इस कीरिंग की एक खासियत है वो मैं बताऊंगी सबसे लास्ट में, और ये पता ही नहीं क्या है, मेरे को भी समझ नहीं आया। ये ऐसा है जैसे कि इंडिया में कुछ वो होता है ना, कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो तब वो लगा लेते हैं हर बंदे, इस पर कुछ भी मेंशन क्या होता है, इस पर पता नहीं क्या मेंशन है। ट्यूशन फीस आर जिग जैक वे टू हाई,
बीसी फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट पता नहीं क्या है, फिर एक ये भी नहीं पता मेरे को क्या है, ये भी वही स्टूडेंट यूनियन कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया। और फिर मिलती है हमें ये दो डायरी जो है बहुत काम की चीज़, क्योंकि मैं वहाँ से लेके आई थी इंडिया से एक ही डायरी लेके आई थी, लेकिन इनका कोई काम नहीं है, हर एक चीज़ ऑनलाइन होती है यहाँ। ये भी सेम वही है मेंबर हैंडबुक, ये स्टूडेंट यूनियन का ही है सब, मतलब स्टार्टिंग में ये है फिर बाद में यही है। ये वाली डायरी अच्छी है, इसका मैंने स्टार्टिंग कर दी है मतलब पढ़ने की। अब तक मेरे दो वीक के नहीं एक वीक का लेक्चर गया और मेरे दो पेज फिल हुए, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कोई नीड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। वो ये है दो डायरी, ये मिला था मेरे को सारा। वो मतलब ब्लॉग में छोटा ही बनाऊंगी क्योंकि इतना कुछ वो नहीं था। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो वो रिकमेंडेशन के लिए बनाऊंगी, वो बनाऊंगी मैं अभी जल्दी एक दो दिन में, क्योंकि लाइक मेरी अभी शिफ्ट होने वाली है स्टार्ट, तो मेरे को जाना है अभी। मेरे को दो घंटे का ब्रेक मिला था क्योंकि कॉलेज था, फिर मेरे को अब शिफ्ट पे जाना है, तो बनाऊंगी मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा एक दो दिन के अंदर, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी जॉब और एकोमोडेशन के लिए। तो यही था, अगर तुम भी मेरे को स्टूडेंट का आईडी दिखानी थी, स्टूडेंट कार्ड जो ये स्टिकर है जिसपे CNCSU पास लिखा हुआ है, ये है हमारा बस पास। तो अगर हम इसको सिर्फ हमें शो करना पड़ता है ऐसे करके ड्राइवर को, और कोई फिर कुछ नहीं पूछेगा, जस्ट जाओ। इसमें ना मतलब टाइम पीरियड मेंशन है, एक्सपायर 30 अप्रैल 2023, 23 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरे को पता नहीं चल रहा है सेमेस्टर कंप्लीट होएगा मतलब 30 अप्रैल को, उसके बाद रिन्यू कराना है या फिर दूसरा मिलेगा, या फिर उसमें मतलब ब्रेक लगेगा हमारा सेमेस्टर में, मई टू अगस्त हमारा ब्रेक है। तो पता नहीं उस टाइम पे हमें पे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर कुछ कराना है, मेरे को पता नहीं चल रहा, वो पूछेंगे। अभी जब तक के लिए है तब तक अपना यूज़ करो, फिर तभी देखेंगे जो भी होगा। तो ये है, मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आई है इसमें फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है ये स्टूडेंट आईडी और बस पास, पीछे से सिंपली एक QR बार कोड है कुछ पता नहीं क्या है। सो अभी मैं करती हूँ व्लॉग यहीं पे एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में पक्का एक तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी और एकोमोडेशन और जॉब के बारे में बताऊँगी, कैसे सर्च करना है, कैसे लेनी है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। और अभी मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाला करूँगी, जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीज़ होती है जो मतलब है कैनेडा में थोड़ी यूनिक है, इंडिया या फिर किसी और कंट्री और लेके देखे तो थोड़ी यूनिक है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स डाला करूँगी, मतलब छोटे छोटे 15-15 सेकंड या फिर 30-30 सेकंड के कुछ ऐसा करके अभी सोच रही हूँ मैं, अगर टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं करूँगी इस चीज़ को। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट, मेरी वीडियो को करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।